16 जुलाई 2020 ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए, उनके जाने के एक घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया है। तो उस बोझ को लेकर कब तक चलेगा? ये मेरी मजबूरी हो गई कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उस बोझ को लेकर मैं कब तक आगे बढ़ सकता हूं? क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में मुझे भरोसा दिलाया गया था कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जो व्यक्ति ये बात करते थे, आज उन्होंने इस केस से संबंधित बात तक करना बंद कर दिया। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? पिछले 3 वर्ष से लगातार प्रताड़ना झेल रहा हूं, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मैं देता हूं। और जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं की पालना की, लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं इस प्रताड़ना को और इस मानसिक टॉर्चर को मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करें? जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा करके अपनी कोई चीज़ सौंपी थी और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिले। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे, उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था, और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे, और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के एक घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। चूँकि कुकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फ़ोन आए कि आप अभी तक पहुँचे नहीं। मैं तुरंत जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया।
इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेन ड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए। और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी, ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।